वस्तुतः अब ऋतिक और टाइगर की वार के लिए तो काफी ज्यादा एक्साइटेड होंगे ही, खासकर वार के टीजर को देखने के बाद। वैसे तो बॉलीवुड की एक जबरदस्त एक्शन सीरीज धूम की चौथी फिल्म यानी कि धूम 4 के लिए भी फैंस काफी ज्यादा एक्साइटेड है। तो इस समय ऋतिक और टाइगर के फैंस के लिए तो यहाँ वार का टीजर आउट हो गया, लेकिन जिन्हें इंतजार था धूम 4 का, उन्हें अब करना होगा और भी लंबा इंतजार। जी हाँ, तो जैसा कि आप जानते हैं कि धूम 4 यशराज फिल्म बनाने वाली है, और 2018 में खबरों के मुताबिक बताया गया था कि धूम 4 हमें 2019 में देखने को मिल सकती है। हालांकि दोस्तों ऐसा नहीं हुआ, और यह उम्मीद थी कि 2019 में हमें धूम 4 के अनाउंसमेंट सुनने को मिल जाएगी, लेकिन दोस्तों अब यहाँ वार के कारण धूम 4 के अनाउंसमेंट भी आगे बढ़ा दी गई है, और इसकी दो वजह बताई जा रही है। जैसा कि आप जानते हैं कि धूम 4 का कॉन्सेप्ट कैसा है, धूम सीरीज की सभी फिल्मों में हमें दो हीरो दिखते हैं, और धूम सीरीज की फिल्मों में कारों और बाइक से चेस होती है, साथ ही फिल्म एक्शन से भरी दिखती है, और फिल्म के दोनों हीरो आपस में एक्शन करते हैं, लेकिन इनमें से कोई भी विलन नहीं होता है, और यह मार्केट टीजर में भी हमें कुछ ऐसे ही देखने को मिल रहा है। और ऐसे में दोस्तों आप मान सकते हैं कि यदि धूम 4 आती तो वो बिल्कुल एकदम वार की तरह होती, तो इसमें वार जो कि धूम फिल्मों की तरह ही है, तो इसमें धूम 4 का आना अभी नहीं बनता है। दोस्तों दूसरी वजह जो सामने आ रही है, उसमें बताया जा रहा है कि यशराज फिल्म अभी धूम 4 के बारे में कुछ भी बताना नहीं चाहती है, क्योंकि इससे यहाँ वार को लेकर फैंस का एक्साइटमेंट कम हो सकता है, और क्योंकि यहाँ यशराज बैनर की तरफ से पहले ही एक बड़ी एक्शन मूवी आ रही है, तो इसमें मेकर्स ने धूम 4 को आगे बढ़ाना ही अच्छा समझा। तो दोस्तों फिलहाल तो यहाँ वार का टीजर ही धूम मचा रहा है, और क्योंकि काफी हद तक वार का कॉन्सेप्ट हमें धूम की तरह ही दिख रहा है। और दोस्तों जैसे कि कुछ समय पहले खबरें थी कि टाइगर हमें धूम 4 में दिखेंगे, साथ ही कुछ वक्त पहले ऋतिक और टाइगर की इस फिल्म का नाम धूम 4 भी बताया जा रहा था, तो इसमें यह वार काफी ज्यादा मिलती जुलती है धूम 4 से। तो इसमें ये तो साफ है कि वार में आपको धूम 4 का मजा आने वाला है। साथ ही बॉलीवुड से जुड़े लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें।